लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 144वीं जयंती के अवसर पर एकता दौड़ का आयोजन मोतिहारी में किया गया। सर्वप्रथम पटेल चौक पर सांसद सपूर्व केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने सरदार पटेल की मूर्ति पर पुष्प अर्पण किया। तत्पश्चात यह दौर सरदार पटेल चौक से नगर भवन पहुंचा। उक्त दौर में भाजपा, जेडीयू, नेहरू युवा केंद्र, राष्ट्रीय सेवा योजना, कौशल विकास केंद्र, भाजपा युवा मोर्चा के प्रतिनिधि, कार्यकर्ता और नेतागण शामिल रहे। उक्त अवसर पर सांसद सपूर्व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने नगर भवन प्रशाल में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय एकता के शिखर पुरुष सरदार पटेल की 144वीं जयंती है। जब भारत आजाद हुआ उस समय देश में छोटी बड़ी 562 रियासतें थी। सरदार पटेल की कुशलता ने इन रियासतों को भारत से अलग होने से बचाया। कश्मीर छोड़ देश के सभी छोटी बड़ी रियासतों के विलय का जिम्मा पटेल उठा रहे थे। कश्मीर मसले को उन्होंने कभी भी स्वतंत्र रूप से डील नहीं किया। कश्मीर का जिम्मा जवाहरलाल नेहरू के पास था। अगर इस रियासतों के विलय का जिम्मा पटेल पर होता तो इसकी ऐसी हालत नहीं होती। मोदी सरकार ने 370 को हटाकर इस ऐतिहासिक भूल का सुधार कर दिया है। अब कश्मीर केंद्र शासित राज्य होगा और आज से 106 केंद्रीय कानून कश्मीर में लागू होंगे। अनुच्छेद 370 लागू होने के चलते जम्मू कश्मीर देश का एकमात्र ऐसा राज्य था जिसका अपना संविधान था। यह संविधान जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा को अपने स्तर पर कानून बनाने और किसी केंद्रीय कानून के राज्य में क्रियान्वयन को रोकने में समर्थ था। लौह पुरुष दृढ़ निश्चय सरदार पटेल नहीं होते तो शायद आज भारत का नक्शा ऐसा नहीं होता। इस एकता यात्रा में मंत्री, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार सरकार प्रमोद कुमार, विधायक कल्याणपुर सचिंद्र प्रसाद सिंह, योगेंद्र प्रसाद सहित बड़ी संख्या में नेतागण और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सत्याग्रह के चंपारण के मुख्यालय मोतिहारी के इस ऐतिहासिक धरती महात्मा गांधी के 150 वर्ष की जयंती के शुभ अवसर पर आज हम लोग इस चंपारण के ऐतिहासिक सरदार पटेल जी के मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर और ये नगर भवन के मैदान तक हम लोगों ने मैराथन दौड़ लगाकर और आया है। आज हमारे सरदार पटेल न होते तो एक भारत और श्रेष्ठ भारत की जो परिकल्पना उन्होंने किया था, आज़ादी की लड़ाई के बाद जब देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए तो उस समय देश के 550 से ज़्यादा रियासतों को एक करने के लिए अपने पूज्य महात्मा गांधी जी ने सरदार पटेल को पत्र लिखकर कहा और नेहरू जी को भी हिदायत करके कहा कि आप अगर इस एक भारत और श्रेष्ठ भारत करना है, सभी रियासतों को समाप्त कर भारत को में विलय कराना है तो सरदार पटेल जी को ही गृह मंत्री बनाने का काम कीजिए। और सरदार पटेल गृह मंत्री हुए तो उन्होंने एक भारत और श्रेष्ठ भारत किया और कई रियासतों को एक किया। लेकिन उसके बाद एक कश्मीर अपना जो रियासत था, अपना जो राज्य था, लद्दाख जो एक अपना राज्य था, इन सब जगहों पर जो धारा 370 और 35 ए के कारण ये एक भारत और श्रेष्ठ भारत में ये बहुत बड़ा बाधक हो गया था। उस अधूरे सपने को हमारे देश के प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और अपने अमित शाह जी ने इसको एक भारत और श्रेष्ठ भारत, जो खंडित भारत था उसे अखंड भारत का जो अधूरे सरदार पटेल को सपने थे उसे साकार करने का काम किया। इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी और अपने गृह मंत्री जी और अपने बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी सहित जो एनडीए के हमारे नेता हैं उन सबों को हम अपने तरफ से और इस सत्याग्रह की ऐतिहासिक धरती के जनता के तरफ से आज सरदार पटेल जी के जन्मदिन के अवसर पर उन्हें भी बधाई देना चाहेंगे जिन्होंने एक भारत और श्रेष्ठ भारत सरदार के अधूरे सपने को साकार करने का काम किया है। सरदार पटेल की कुशलता ने इन रियासतों को भारत से अलग होने से बचाया था, इस बात से को पूरी दुनिया जानती है।
उसमें 562 में कश्मीर को छोड़कर बाकी सबकी जिम्मेवारी पटेल की थी और कश्मीर की जिम्मेवारी नेहरू को थी। तो पटेल को जितनी जिम्मेवारी थी उसको पूरा किया और नेहरू ने कश्मीर डील को डील ठीक से नहीं किया। अब परिणाम हुआ पूरा कश्मीर हमारे पास नहीं रहा और जो रहा उसमें धारा 370 और 35 से जो कश्मीर को भी हमसे अलग साथ रहते हुए अलग करता था। मोदी सरकार ने 370 को हटाकर इस ऐतिहासिक भूल को सुधार किया और अब केंद्र शासित राज्य हो गया कश्मीर। और आज जो 144वीं जन्मदिन है 106 भारत सरकार के कानून जो कश्मीर में लागू नहीं होता था जिसके कारण कश्मीर के लोग अपने को देश से अलग और देश के लोग अपने से कश्मीर को अलग मानते थे। तो आज वो सपना पूरा हो गया। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।